हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांचौर में शराब के गोदाम के विवाद को लेकर आबकारी थाने पहुंचे मंत्री पुत्र आबकारी विभाग पर अवैध वसूली का आरोप। शहर के इंदिरा कॉलोनी में स्थित आबकारी थाने में अवैध वसूली को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान वन मंत्री के पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र बिशोई ने विभाग पर अवैध ब्रांच से 50,000 रुपए बंदी के रूप में वसूली का आरोप लगाते हुए उनके फोन तक रिसीव नहीं करने को लेकर नाराजगी जताते हुए विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता व शराब के ठेकेदार भी वहां पहुंच गए व आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर एसडीएम भूपेंद्र यादव भी पहुंचे। उन्होंने मामले को लेकर जानकारी ली तो आबकारी थाने में शराब की बोतलें मिली, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताते हुए विभाग के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। इस दौरान डॉक्टर भूपेंद्र विशोई ने विभाग के अधिकारियों पर उनके कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम के समक्ष रोष जाहिर करते हुए कहा कि कैसी है आपकी सरकार, जहां अधिकारी खुलेआम हफ्ता वसूली करते हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने मामले में कार्यवाही की बात की। ये था विवाद। शहर में शराब की सरकारी दुकानों के आड़ में अवैध रूप से गोदाम की स्वीकृति को लेकर ठेकेदारों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर एक गुट जहां न्यू बस स्टेशन पर अपना गोदाम खोलना चाहता है, वहीं दूसरी सरकारी शराब ठेकेदार जो उक्त परिक्षेत्र को अपने ठेके की सीमा में बताते हुए अवैध रूप से गोदाम आवंटित करने का विरोध करते हुए उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई, जिसके विवाद को लेकर ठेकेदार मंत्री पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र विशोई आबकारी थाने पहुंच गए और विभाग पर दबाव बनाने के लिए ब्रांच के नाम पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया। जागरूक टीवी की सांचौर से विजयराम डूडी की रिपोर्ट।